बॉलीवुड की मशहूर मारूफ फिल्म एवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन ने जो कार चलाई थी अब वो हकीकत में मार्केट में मुतारिफ करा दी गई है। तफसीलात के मुताबिक आयरन मैन की कार ऑडी ई ट्रॉन जीटी मार्केट में मुतारिफ करा दी गई। मरूफ जर्मन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ऑडी की ये कार भी हाई प्रोफाइल फिल्मी किरदारों में दिखाई जाने वाली मुस्तकबिल की जदीद तरीन कारों की तैयारी का तसलसल है। ई ट्रॉन जीटी नामी ये जदीद तरीन इलेक्ट्रिक कार अप्रैल 2019 की फिल्म एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क ने चलाई थी और तकरीबन 2 साल बाद ही ऑडी ने ये कार डीलर शोरूम पर पहुंचा दी है। ऑडी ने ई ट्रॉन जीटी इलेक्ट्रिक कार के इस नए वर्जन की कीमत 1,33,105 बरतानवी पाउंड मुकर्रर की है, जो कि गुज़िश्ता वर्जन से तकरीबन 2 गुनी है। इस गाड़ी की खसूसियात में सिर्फ 3.3 सेकंड के सुपर कार परफॉर्मेंस वक्त में 62 मील फी घंटा रफ्तार से आगाज करना और 296 मील तक की हद से लुत्फानंदोज होना शामिल है। ई ट्रॉन जीटी का गैस या जहरीले मादों का अखराज 0 है, इसलिए इस कार के इस्तेमाल से आलूदगी में कमी आएगी। हॉलीवुड अदाकार रॉबर्ट डोनी जूनियर ने बैटरी से चलने वाली जीटी कार का इब्तदाई प्रोटोटाइप चलाया।